सलमान खान की दिलदारी वाकई एक मिसाल है और ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी में उनके अंदर का इंसान और भी ज्यादा जाग चुका है। अब भले ही सलमान इस वक्त अपने फार्म हाउस में कैद हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की खूब चिंता है। आपने सलमान खान और उनके भतीजे का फार्म हाउस वाला ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो फार्म हाउस में फंसे हुए हैं। अब ऐसे में इंसान पहले अपने आप को निकालने की सोचता है, लेकिन इस टफ सिचुएशन के बावजूद सलमान ने अपना किया वादा निभाया और फार्म हाउस से बैठे बैठे ही अपने अकाउंट से पूरे 4,80,00,000 रुपए मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। आपको बता दें कि नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 6 अप्रैल की शाम सलमान को 19,000 मजदूरों का बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दिया गया था और सलमान के ऑफिस में जैसे ही वर्कर्स के अकाउंट नंबर पहुंचे, उनकी टीम ने तेजी दिखाते हुए 7 अप्रैल की शाम तक 16,000 मजदूरों के अकाउंट में प्रति मजदूर 3,000 रुपए जमा करवा दिए। यानी मंगलवार को सलमान ने फेडरेशन की ओर से भेजे गए 16,000 मजदूरों के बैंक अकाउंट में कुल 4,80,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और सलमान ने इसके बाद भी आगे मई के महीने में 19,000 मजदूरों के अकाउंट में 5,70,00,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। इस तरह 2 महीने तक सलमान मजदूरों का खर्च उठाएंगे और कुल 10,50,00,000 रुपए की मदद करेंगे। वैसे दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने के अलावा सलमान ने अपनी फिल्म राधे के क्रू मेंबर्स के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर किए हैं और वो तब जब फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुकी पड़ी है। जाहिर है कि सलमान खान इस समय उन लोगों का दुख बखूबी समझ रहे हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। सलमान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही वो अपने फार्म हाउस पर आराम से रह रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जो ये लग्जरी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें मुश्किल समय में अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और यही वजह है कि आज सलमान ने इंसानियत का इतना बड़ा उदाहरण दिया है। वाकई में सलमान के इस नेक काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी।